आलस है तुला ये हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हेलो फ्रेंड्स, तो अभी दिवाली का फेस्टिवल शुरू हो चुका है और चाइना में हम दिवाली की तैयारी कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ मैं। तो आज है दिन चटनी बना रहे हम लोग। तो हमारे पास कोई साधन अवेलेबल नहीं बनाने के, तो हाथे से हम चटनी जो है रेडी कर रहे हैं। तो जुगाड़ी बना रहे, देखिए ये रोल बना लिया, उसको फिर इस तरीके से बेलन की तरह उसे ऐसे बेलन कैसे करते उस तरीके से लंबे लंबे करते जाना है, थोड़ा हल्के हाथ उसे करना है। हम कोई मास्टर शेफ नहीं है, हम थोड़ा बहुत जुगाड़ करते हैं, आखिरकार इंडियन है तो जुगाड़ करके जैसे हो सके वैसे चीज़ें हम मतलब तो काम चला लेते हैं, ये तो हमारे खून में है। तो अभी हम चाइना में हैं, अभी दो चीज़ें बना के हो चुके दिवाली की, तीसरी जो है वो चकली बना रहे हैं और उसके बाद में शेवैया जो होती है वो बनेगी। और यहाँ पर हम लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि घी का जो डब्बा है उसे आने के लिए बहुत समय जाएगा कुरियर से। हम लोग यहाँ पे दुकान में घी मिलती नहीं, तो जो भी हमने खाने की चीज़ें बनाई है दिवाली की, खास करके वो तेल में बनाई है। ठीक है, ऐसे बनने के बाद उसे रोल करना है। देखो बहुत ही आसान तरीका है, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये हो गई, देखो चकली, और इसका भी डालेंगे अंदर। तो ये हमारे दिवाली के हो रहे हैं सेवैया, ये देखो यहाँ पे बन चुके। और इस तरीके से हमने ये है सेवैया का जो साधन होता है छन्नी, उसको ये हमने बना दिया है। और ये हमने और एक आइटम बनाया, ये हमारा चौथा आइटम है, इसे गोर कहते हैं, जो कोकण में काफ़ी फेमस है। ये चावल और गुड़ से बनता है। ये